नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर हमारा कंप्यूटर हमारा लैपटॉप स्लो चलता है। अगर आपका भी कंप्यूटर लैपटॉप स्लो चलता है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पक्का मैं गाइड कर दूंगा कैसे अपने लैपटॉप की अपने कंप्यूटर की स्पीड को आप तेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल पर पहली बार हो इस तरह वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं कहूंगा प्लीज ये लाल बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैं चूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो करिए। आपको मेरे कंप्यूटर लैपटॉप कोई सवाल है मुझसे पूछिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आपके सवालों को जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूँ। लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ क्या क्या सेटिंग करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरे पास लैपटॉप है, इसके अंदर 2 GB का रैम लगा हुआ इंटेल पेंटियम डुअल कोर है और इसमें विंडोज 10 लोडेड है। अगर आपके पास जो लैपटॉप कंप्यूटर उसके अंदर विंडोज 7 लोडेड हो, विंडोज 8 लोडेड, विंडोज 10 लोडेड हो, सबके अंदर सेटिंग होती है, सेटिंग आप कर लीजिए, पक्का आपके लैपटॉप कंप्यूटर स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं आपको क्या क्या सेटिंग आपको करने पड़े अपने स्पीड बढ़ाने की। दोस्तों चलिए लेके चलता हूं मैं। तो हम आ चुके अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये लैपटॉप स्क्रीन हमारा है, इसके अंदर विंडोज 10 लोडेड है। अगर आपके पास कंप्यूटर भी होगा तब भी उसमें ऐसी सेटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ये आपका टाइप हियर टू सर्च विंडो 10 के अंदर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिया हुआ टाइप हियर टू सर्च। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखिए रन, लिखिए RUN, रन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऊपर जो है पर रन आ जाएगा। ठीक है, ये रन आ जाएगा, रन है। और यहाँ तो शॉर्टकट की दिया हुआ बटन दबाने के लिए, आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर जो है एक की दिया होगा ये विंडोज की, और उसके साथ में R दबा दीजिए तभी ये खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट की है ये विंडोज की के साथ में, विंडोज की ये है और उसके साथ में अगर ये R दबा देंगे तो ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वन बाय वन करके हमको जो सबसे पहले इसी में कमांड लिखना है। सबसे पहले कमांड आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ जाइए और लिखिए RECENT, रिसेंट लिखेंगे यहाँ पर, रिसेंट लिखने के बाद इस पर कर दीजिए आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब जितनी फाइलें इसके अंदर हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी साफ किया, इसमें कम फाइलें हैं, आपके अंदर ज़्यादा फाइलें आएंगी, तो जितनी फाइलें हैं कंट्रोल ए करिए, शॉर्टकट दबाइए दबाइए, आप कंट्रोल के साथ में ए दबा दीजिए। ठीक है, ये ए दबा दीजिए, देखिए सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट होने के बाद में इसमें क्या करता है, अब यहाँ पे आप डिलीट दबा दीजिए, डिलीट करके डिलीट हो गया, फोल्डर इज एम्प्टी। तो पहला क्या था, रन के अंदर जाएंगे, रिसेंट लिखेंगे। ठीक है, अब इसको फिर बंद कर देते हैं। फिर हम दोबारा जो है यहाँ ऑल्ट विंडोज की के साथ फिर आर दबाते हैं, फिर ये आ गया। अब यहाँ करेंगे, लिखेंगे शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट बटन है, देखिए परसेंटेज साइन ये होता है, ये दबाएंगे परसेंटेज ये और TEMP, फिर उसके बाद परसेंटेज। ठीक है, देखिए देख लीजिए ये परसेंटेज टैम परसेंटेज। फिर इसके क्या करना है, सिंपली तरीके से इसको ओके पे क्लिक कर देना है। और जब क्लिक करेंगे देखिए इतनी सारी फाइलें हैं, ये अनवांटेड फाइलें कंप्यूटर के अंदर, सबको डिलीट करना है। इसको क्या करना है, फिर कंट्रोल ए जो है आपका दबाना, पकड़ना है इसको और इसको सब सेलेक्ट हो चुका है, सब सेलेक्ट हो चुका है, और फिर बटन डिलीट दबा के इसको जो है यहाँ डिलीट दबा दीजिए और देखिए डिलीट हो गया, आपने सब डिलीट हो रहा है ये। ठीक है, कुछ स्किप करने फाइल बोला उसको स्किप कर दी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। कुछ फाइल इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं वो चाहते हैं डू नॉट फॉर दिस करंट अफेयर पर क्लिक कर दीजिए तो पूछेगा नहीं, स्किप कर दीजिए, मतलब सारी फाइलें जो थी डिलीट हो गई हैं, ये सिस्टम फाइलें उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे दो हो गया, पहला मैंने बताया रिसेंट, दूसरा बताया परसेंटेज टाइम परसेंटेज, और थर्ड नंबर पर फिर आप जाइए यहाँ पर विंडोज की के साथ में आर दबाइए, आ गया है। अब लिखिए TEMP टैम, ठीक है, ये लिख दिया आपने करके, फिर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू को क्लिक करिए, आप कंटिन्यू आ चुका है, अगर आपने आता है कंटिन्यू ठीक है, ना वरना डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, सब ये आपके सिस्टम को स्लो करती हैं, इन सबको डिलीट करना आपको होगा। तो कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे, इन सब फाइल को भी सिंपल डिलीट प्रेस करके जो है यहाँ पर डिलीट करने के लिए बोल रहा है, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए आप, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आपका ये भी डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तीन मैंने आपको बता दिया, रन के अंदर जाके रिसेंट परसेंटेज टैम परसेंटेज और टैम। फोर्थ नंबर हम जाते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ करते हैं विंडोज की के साथ में आर दबाएंगे, अब यहाँ खुल के आ जाए, यहाँ लिखेंगे प्रीफेज PREFETCH, प्रीफेज नोट कर लीजिए PREFETCH, प्रीफेज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओके कर देंगे हम। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू लिखने के लिए आ रहा है, लिख रहा है कुछ नहीं करना है, आप कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए, आप सिंपली कई तरीके से कंटिन्यू क्लिक कर, देखिए इतनी सारी फाइलें आ गई, यही सब भी कंप्यूटर आपको स्लो करती है, लैपटॉप आपको स्लो करती है, इन सबको डिलीट कर दीजिए। विंडोज 7 के अंदर, विंडोज 10 के अंदर और विंडो 8 के सबका ये ऑप्शन ये होता है, इसको भी सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए से और इसको जाके इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये भी आपका डिलीट हो गया, मतलब ये चार आपका जो है ऑप्शन डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने बता दिया आपको ना, रन के अंदर जा करके आप चार कमांड चला करके एक कर सकते हैं, ये पहला स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यहीं पर आते हैं, यहाँ पे देखिए आ गए हैं और फिर दबाएंगे हम ये ऑल के साथ में आर, खुल के आ गया। अब यहाँ क्या लिखना है, MS config, MS
CONFIG, नोट कर लीजिए, MS Config, ठीक है। ये देखिए MS Config लिखा हुआ, स्पेलिंग लिखा हुआ है MS Config, इसको लिख के अब सिंपल तरीके से ओके के ऊपर जो है आप इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मेनू खुल के आ जाएगा, देखिए मेनू खुल के आ गया ना। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब जाना है सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका, पहला ऑप्शन दिया जनरल दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ बूट दिया हुआ, बूट पे क्लिक करेंगे आप। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। अब देखिए आप एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है दिया ना एडवांस ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे आप सिंपल तरीके से, यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ दिया हुआ नंबर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है आप में हो सके तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है 1 और 2 दिया हुआ है। तो मेरे पे 1 था, मैंने 2 कर ऑलरेडी कर रखा, तो आप भी 1 अगर दिया और 2 कर लीजिए, हो सके आपने 4 दिया होगा तो आप 4 पे क्लिक कर लीजिए, 4 पे क्लिक कर दीजिए, 4 क्लिक करने वाले में और यहाँ पे देखिए दिया हुआ मैक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप में इसमें जो है अगर 1024 दिया होगा तो इसको आप जो है मैक्सिमम 2 कर दीजिए, बढ़ा दीजिएगा इसको, ठीक है ये आप इसको बढ़ा दीजिए, मतलब 2048 कर सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक ये हो गया। इसको करने के बाद में नंबर ऑफ प्रोसेसर आप बढ़ा दीजिए और मैक्सिमम मेमोरी कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है ओके करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करेंगे ओके कर देंगे। ये बोले रिस्टार्ट करने के लिए, रिस्टार्ट हम थोड़ी बात करेंगे क्योंकि हमें और भी सेटिंग करनी है, ठीक है। एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट, इस पर क्लिक कर दिए, एक सेटिंग हो चुका है। फिर जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर विंडोज़ की के साथ में फिर हम आर प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ कमांड टाइप करेंगे MS Config, ओके किया, ओके क्लिक करने के बाद में देखिए फिर खुल के आ गया। अब क्या करना है, आपको जाना है स्टार्टअप के ऊपर, देखिए स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे आप सिंपल तरीके से, स्टार्टअप पे क्लिक कर दीजिए, ओपन टास्क मैनेजर ये क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। देखिए ये सारी फाइलें आपको दिख रही है ना, ये टोटल ऑल टू ऑल यहाँ पर रन कर रहा है, ये मतलब बैकग्राउंड पर रन कर रहा है। तो आपको लगता है जो फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फाइल इंपॉर्टेंट है उसको आप जो है ये एनेबल को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विनैप मेरे लिए बैकग्राउंड पर रन कर रहा है, इसको मुझे क्या करना है, इसको एनेबल, इसको मैं क्लिक करूँगा, इस पर डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। स्काइप मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, जब मुझे जरूरत होगा तो मैं खोल लूँगा, इसको क्लिक करूँगा ऑलरेडी ये है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, इसको मैं चाहूँगा इसको मैं ऐसे कर क्लिक करूँगा डिसेबल कर दूंगा, राइट क्लिक करेंगे माउस का तो हो जाएगा। फिर IDT ग्रुप ID हो, इसको भी चाहिए मैं डिसेबल करना डिसेबल कर सकता हूँ, मतलब जितना चीज़ है ये दिया हुआ है, बोर्ड रीडर जो बैकग्राउंड रन कर रहा है इसको भी हम डिसेबल कर, जब खोलेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, दिक्कत उसमें नहीं है, बात समझ रहे आपको। तो इसको एनेबल डिसेबल यहाँ से करके अपने मतलब जब लैपटॉप ऑन होता है उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, सिंपल तरीके से ये हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, अगर हमको रिस्टार्ट करना ओके कर दीजिए, अभी थोड़े बार रिस्टार्ट करेंगे। हमने आपको 4-6 सेटिंग बता दिया, 4 रन के अंदर जा करके वो करना, 2 MS Config के अंदर करना है। अब मैं बताता हूँ आपको 7 ऑप्शन क्या करना है। आपको सिंपल तरीके से जो है लिखना है कंट्रोल पैनल, या यहाँ पर जाइए, यहाँ ये लिख दीजिए रन के ऊपर CONTR, कंट्रोल पैनल लिखेंगे यहाँ आगे, कंट्रोल पैनल लिख के आ गया, ठीक है। कंट्रोल पैनल क्लिक कर दीजिए आप सिंपल तरीके से, यहाँ कंट्रोल पैनल क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद देखिए खुल के आ गया है। अब यहाँ पर अगर आपका ये ऑप्शन ऐसे आ रहा हो, कैटेगरी के अंदर आ रहा हो, ऐसा आ रहा होगा कैटेगरी के अंदर आपका, तो आप सिंपल कैटेगरी क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए स्मॉल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल के आ जाएगा, इतना बड़ा, ठीक है पूरा खुल के आ जाएगा। तो देखिए विंडोज 7 के अंदर, विंडोज 8 के अंदर, विंडोज 10 में सबके ऑप्शन एक ही जैसा होता है। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल दिया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन दिया हुआ डिस्क, चौथे नंबर 1, 2, 3, 4 पर दिया हुआ डिस्क क्लीनअप, देख लीजिए डिस्क क्लीनअप है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, इस पर क्लिक के दोबारा क्लिक करिए और खोल के देखिए दिया हुआ है सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप, ड्राइव सी ऑटोमेटिक सी टाइप लिया हुआ, क्योंकि जो विंडोज लोड होता है ना वो सी टाइप के अंदर ही लोड होता है, तो इसको सिंपल करके आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब बता रहा है डिस्क क्लीनअप बता रहा है, और सब पे टिक कर दीजिए आप, यहाँ पे जितने दिए सब पे टिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। देखिए डिस्क हमारे क्लीन कर रहा है, ओके करना तो ओके करके क्लिक करके हम वेट कर लेते हैं, टाइम लगा था कितना आपकी फाइल पड़ी हुई है, और सबको स्किप पे क्लिक कर दीजिए आपकी कंटिन्यू पे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपका, तो ये आपको ये करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लैपटॉप के कंप्यूटर स्पीड की रैम अगर कम है तो आप ये सेटिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया डिस्क क्लीनर पैसे करके। आप जो है डी टाइप को चाहे कर सकते हैं, ई टाइप को कर सकते हैं करने के लिए ये ऑप्शन। उसके ऊपर देखिए दिया हुआ डिफ्रेगमेंट, ठीक है, डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव दिया हुआ है थर्ड नंबर ऊपर से, इस पर क्लिक कर लेंगे दोबारा हम, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिया हुआ मेरे कंप्यूटर में, 3 ड्राइव है, हो सके आपके कंप्यूटर में एक ही ड्राइव दिया होगा, तो ये 3 ड्राइव है। तो मेनली हम जो है सी ड्राइव को करते हैं, सी ड्राइव है क्योंकि विंडोज हमारा सी में लोड होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिया हुआ फिर दिया हुआ ऑप्टिमाइज, ठीक है, इसके ऊपर हम जो है क्लिक कर देते हैं, ऑप्टिमाइज क्लिक कर दिया हमने करके। अब देखिए दिया हुआ है और हमारा जो है ये ऑप्टिमाइज जो है ये हो गया, ग्यारह ना ओके 0 डे लेफ्ट। तो आप भी करेंगे तो आपको दिखाएगा, आपके पहले दिखाएगा 7 डे 8 डे जो दिखाएगा, क्लिक कर देंगे ऑप्टिमाइज कर देंगे तो ये 0 डे हो जाएगा, ऐसा ऑप्टिमाइज कर देंगे, देखिए दिखा रहा परसेंट बढ़ रहा है, टीम हो गया ओके, ठीक है।
तो इस तरीके से आप डी को भी कर सकते हैं ऑप्टिमाइज, ई को भी कर सकते हैं ऑप्टिमाइज, ये जितने ड्राइव दिए आपके उसको सबको कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग थी और मैं आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो आप पूरी सेटिंग को करके आप अपने लैपटॉप की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, लैपटॉप जब सारी चीज़ हो चुकी हैं तो कुछ नहीं करना, आपके कंप्यूटर हो आपके पास हो या लैपटॉप हो, उस सिंपल तरीके से जाके उसको जो है रीस्टार्ट कर देना है। देखिए मेरे इस लैपटॉप में 2 GB रैम है, पुराना लैपटॉप है, थोड़ा सा स्लो चलता है। आपके पास जो भी लैपटॉप होगा उसको करिएगा, सब में सेटिंग काम करता है। देखिए स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं आप सिंपल रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो आप भी अपने लैपटॉप को अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका लैपटॉप और कंप्यूटर आपका स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगा कि अच्छी जानकारी थी क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर स्पीड में सबके पास होता है और सब लोग जो है इस तरीके से काम करते रहते हैं। ठीक, तो ये सारी सेटिंग थी। तो मुझे लगता है कि आपने सारी सेटिंग कर लिया होगा, उस चीज़ों कैसे सेटिंग किया जाता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को बस मैनेज करना पड़ता है, हमें नॉलेज चाहिए होता है और वो करने के बाद में अपने कंप्यूटर की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए अगर कोई कंप्यूटर बनाने आता है, कोई घर के ऊपर सर्विस इंजीनियर आपसे अच्छा खासा पैसा ले जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका पैसा नुकसान, आपका पैसा बचे। तो मुझे लगता है वीडियो पसंद अगर आपको, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करिएगा, पूछिएगा मन में कोई दूसरा सवाल अगर होगा और कोई वीडियो बनाना होगा बता दी मुझे दोस्तों। चलिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे इस एपिसोड में कि टॉपिक साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।